चीन और श्रीलंका के रास्ते भारत और अमेरिका पर नजर रखने के लिए रडार सिस्टम विकसित कर रहा है। श्रीलंका की उसकी चाल पर डरा है, लेकिन आखिर क्या है उसकी मजबूरी, देखिए ये रिपोर्ट। इंडो पैसिफिक में भारत और क्वाड के खिलाफ चीन बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा है। खतरा श्रीलंका को भी है, लेकिन कर्ज के कारण श्रीलंका चीन के खतरनाक मंसूबों को लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है। भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने और दक्षिणी हिस्से की रेखी करने के लिए चीन की सेना श्रीलंका के जंगलों में जासूसी तंत्र स्थापित कर रहा है। बताया जाता है कि डिएगो गार्सिया में वो अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, जिससे अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। आपको बता दें कि डोंडरा खाड़ी श्रीलंका के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जहाँ चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर लिया है। पीएलए के एक जहाज ने पिछले साल बंदरगाह का दौरा किया था, जिस पर भारतीय रक्षा एजेंसी ने कड़ा एतराज जताया था। खबर है कि श्रीलंका के बंदरगाह और जंगली इलाके में वो मौसम की जानकारी वाले यंत्र के बहाने रडार सिस्टम लगाने जा रहा है। यदि वो इसमें कामयाब रहता है तो भारत के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। रडार के जरिए वो भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर रख सकता है। इससे वो चीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक अपनी पहुँच बना लेगा। ऐसी चिंता है कि रडार कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम होगा।